महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे उनका मीटिंग यहीं पर हुआ था। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके मातो ब्लॉग्स में। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुका हूं और फिलहाल पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूं, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। यहां पटना जंक्शन के बाहर कुछ बिहार का इतिहास इन आकृतियों के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए, ये है पटना जंक्शन, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य काल का चाणक्य, और उधर बोधि वृक्ष है, और इधर और भी बहुत कुछ बनाया हुआ है जो कि बिहार के इतिहास को इसमें दर्शाता है। बाकी यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं वेटिंग रूम है, प्रतीक्षालय लिखा हुआ है सभी यात्रियों के लिए। ये है AC वेटिंग हॉल पटना का, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है और ये सबके लिए है। और बाकी यहाँ पर सभी खंभों पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। सभी चार्जिंग पॉइंट वर्किंग कंडीशन पे है, मैंने खुद चार्ज करके देखा है। बाकी उधर काउंटर से वो फूड प्लाजा का, बाकी वीडियो में बने रहें, देखते हैं थोड़ा पटना शहर को और करीब से। फिलहाल तो मैं स्टेशन के बाहर ही हूँ, पर चलता हूँ आगे पटना शहर को थोड़ा करीब से देखने। पटना जंक्शन के बाहर एक हनुमान टेम्पल है, जो कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर अंदर जाने का प्रोसेस देख सकते हैं काफ़ी लंबा है। इधर में इंजन रखा हुआ है, इंडियन रेलवे का काफ़ी पुराना इंजन है। यहाँ पर कुछ जगहों का डायरेक्शन दिया हुआ है, तारामंडल, नेहरू रोड, पटना संग्रहालय, गांधी मैदान, डाक बंगला, राजेंद्र पथ, यहाँ पर लिखा। फिलहाल हम चलते हैं इस तरफ, काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ, इतनी भीड़ में बहुत दिक्कत हो रही है यार रोड क्रॉस करने में, बहुत ज़्यादा भीड़ है। समझ में नहीं आ रहा है किधर की गाड़ी पकड़ूँ, क्या करूँ इतना ज़्यादा भीड़ में, क्योंकि किधर भी जाएगी लेट तो करेगी करेगी और मेरी ट्रेन छूट जाएगी। फिलहाल हम रोड पर चल रहे हैं और हम पीछे देखिए गांधी मैदान का रोड है, इधर दिखा रहा है डायरेक्शन, तो चलते हैं इधर। चलते हैं हम सबसे पहले गांधी मैदान, इधर में है, फिर गाड़ी पकड़ते हैं फटाफट से निकलते हैं। पटना सिटी के बारे में कुछ लिखा है, स्मार्ट सिटी पटना, डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट रोड नेटवर्क 17.4 किलोमीटर। बाकी नीचे लिखा हुआ है बजट 302 करोड़, स्टार्टिंग डेट मार्च 2019, एंड डेट फरवरी 2021, कॉन्ट्रैक्टर है LNT कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। बाकी इस तरह का फ्लाईओवर कनेक्शन करके स्मार्ट सिटी तो पटना बन ही चुकी है, फिर भी यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। फिलहाल मैं गांधी मैदान के पास पहुँच चुका हूँ और पीछे देख सकते हैं, यह है गांधी मैदान, जो कि गेट नंबर 10 है ये, और ये इसके आसपास बाहर का व्यू। चलते हैं वहाँ अंदर और देखते हैं कितना बड़ा है ग्राउंड। वैसे तो हम इसके बारे में जानते हैं कि ये 62 एकड़ में फैला हुआ है, और गांधी मैदान तो गेट में भी पुलिस वाले भैया बोलेंगे मोबाइल संभाल के, इस तरह से हाथ में लेके घूमोगे कोई छीन के भाग जाएगा, खोजते रह जाओगे कहाँ घुस जाएगा लेके, भीड़ में पता नहीं चलेगा। तो फिलहाल हम गांधी मैदान के अंदर आ चुके हैं और देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये ग्राउंड। और गांधी मैदान इसलिए इतना फेमस है क्योंकि महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे उनका मीटिंग यहीं पर हुआ था, और ये गांधी मैदान पटना शहर के बीचों बीच स्थित है, जो कि 62 एकड़ में फैला हुआ है, जो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी क्या बहुत बड़ा है। तो दिखाते हैं आपको यहाँ पर कितनी भीड़ है, किस तरह के लोग यहाँ पर है, किस तरह का जगह है। जितना दूर तक नज़र जा रहा है पूरा एरिया गांधी मैदान का है, इधर में कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट प्रैक्टिस, इधर में एक्सरसाइज, रनिंग और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही है। तो फिलहाल देखते हैं कुछ खूबसूरत जगह, देखते हैं गांधी मैदान का, इधर में एक्सरसाइज जारी है, इधर में भी चल रहा है, उधर में तो पूरा बटालियन है,
ग्रुप में है पूरा बल्क में उधर। उधर में काफ़ी खूबसूरत एक स्टैचू बना हुआ है जो कि बहुत दूर है, और सनसेट तो काफ़ी खूबसूरत आ रहा है। बाकी बीचों बीच ये पता नहीं क्या है बना हुआ है, और इस तरह का एरिया है। उधर में बल्क में है लोग। गाइस सब चलते हैं यहाँ से और देखते हैं और कुछ पटना शहर का। यहाँ पर लोग अपना काम कर रहे हैं, काफ़ी बखूबी मेहनत कर रहे हैं। क्यों उनके मेहनत पे उनका जो फोकस है उसको डिस्टर्बेंस करें। हम चलते हैं, हम अपना जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। बाकी ये मैदान में एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। गांधी मैदान के ठीक सामने यहाँ पर आदर्श थाना गांधी मैदान पटना है, जो कि इधर गांधी मैदान है। और आगे ये जो बिल्डिंग दिख रही है ब्लू कलर की, ये है उद्योग भवन गांधी मैदान थाना पटना। और वहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ उद्योग भवन। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, इतना भीड़ मैंने कभी देखा नहीं। शाम का समय है, भीड़ देखी। अभी मैं पटना के एक नया टोला जगह नाम है इस जगह पर हूँ, और यहाँ पर मुझे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह दिखना शुरू हो गया, कोचिंग क्लासेस वगैरह। और मैं फ़िलहाल खान सर जो हैं उनके जो कोचिंग जिस जगह पर है मैं उस जगह पर जा रहा हूँ। तो मुझे यहीं से बहुत सारे कोचिंग क्लासेस इंस्टीट्यूट्स वगैरह दिखना शुरू हो गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे हैं। यहाँ पर जितने हैं जितने बिल्डिंग्स हैं सभी में लगभग आपको क्लासेस वगैरह का ही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। सभी बिल्डिंग्स में वही है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और इधर पटना का वीडियो भी जल्दी आएगा, उसके बाद आपको पटना का म्यूज़ियम का वीडियो भी आएगा। उसमें मैं जा रहा हूँ खान सर की कोचिंग क्लासेस के बाहर, देखता हूँ वहाँ के आसपास का माहौल किस तरह का है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल में बने रहिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।